गुड न्यूज़ है कुवैत की तरफ से। बहुत दिन से बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार कुवैत डायरेक्ट फ्लाइट से जाने का मौका कब मिलेगा। हालांकि कुवैत ने अभी 1 तारीख को एक अनाउंसमेंट किया था कि जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, मतलब उसमें इंडिया भी शामिल था, यहाँ से लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। और वो ये भी अनाउंसमेंट कर चुकी थी कि 14 दिन के लिए जो क्वारंटाइन पीरियड है, जो क्वारंटाइन आप करके जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको परमिशन नहीं मिलेगी। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस कुवैत ने डाल दिए थे। अब नया अपडेट आया है कुवैत की तरफ से और ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि 22 अगस्त 2021 से कुवैत डायरेक्ट फ्लाइट एक्सेप्ट करेगा, और वो भी 6 कंट्रीज से, इजिप्ट और इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये 4 कंट्रीज और है, मतलब टोटल 6 कंट्रीज हैं, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट जाएंगी। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है कि वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, क्वारंटाइन है तो वो भी ज़रूरी है, आपका PCS सर्टिफिकेट लेके जाना ज़रूरी है। अब वो डायरेक्ट फ्लाइट 22 तारीख से ओपन तो हो रही है, लेकिन अभी जो है कुवैत ने वीज़ा का अनाउंसमेंट नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से और किस किस कैटेगरी के वीज़ा जो है लगेंगे और कौन कौन से लोग फ्लाइट में जा पाएंगे। डायरेक्ट फ्लाइट ओपन हो रही हैं, लेकिन गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन अभी तक मेंशन नहीं की गई, जबकि पहले भी जब फ्लाइट ओपन की गई थी तो उनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर वाले लोग हैं, जो फैमिली जो रेजिडेंट होल्डर हैं वो लोग जा सकते हैं, जिनकी फैमिली फंस गई है, एक्सेप्शंस जो केसेस थे उनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो 22 तारीख को जो फ्लाइट खुल रही है तो आखिरकार ही सोचने की बात है, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि 22 तारीख को जो फ्लाइट ओपन हो रही है उसमें जो नई गाइडलाइंस आने वाली, हो सकता है 1-2 दिन में नई गाइडलाइंस आ जाएं कि कौन कौन लोग ट्रैवल करेंगे और क्या क्या कंडीशंस होंगी ट्रैवल करने की, उस तरह से उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कुवैत में जाने का मौका मिलेगा, एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो जो कुवैत जाने वाले लोग हैं थोड़ा सा और सब्र करें इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। 22 तारीख को फ्लाइट खुल रही है अभी और कूना की तरफ से जो कुवैत न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने बहुत शॉर्ट में ये अनाउंसमेंट किया है कि कुवैत की फ़्लाइट 22 तारीख से ओपन हो जाएंगी। और ये अनाउंसमेंट होने के बाद कुछ भी ऐसी डिटेल नहीं आई है अभी कि कितनी कितनी फ़्लाइट्स, कौन कौन सी फ़्लाइट और या तो कौन कौन से लोग आएंगे। हालांकि जो टोटल जो नंबर्स ऑफ विजिटर्स होंगे, जो एक दिन में वहां के पर डे विजिटर्स होंगे, उसमें ये दिया गया है कि 15,000 लोगों को ही एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। ये लिमिटेशन है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट में एक दिन में एंट्री नहीं मिलेगी। तो मतलब 6 कंट्रीज से सिर्फ 15,000 लोग ही जा सकते हैं, केवल एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से हो सकता है थोड़ा सा डिले होगा लोगों को पहुँचने में, लेकिन अब जो न्यू अपडेट आई है इसके अकॉर्डिंग लोगों का जाना तय है, लोगों को जाने का मौका मिलेगा। अब वीज़ा कौन कौन से इशू होने वाले हैं वो भी हम आपको